बॉलीवुड में चाहे कितनी भी कैट फाइट चलती रहे या एक्टर्स के बीच में वॉर होती रहे, लेकिन जहाँ किसी एक्टर या डायरेक्टर पर मुसीबत आती है तो पूरा बॉलीवुड उसे सपोर्ट करने दौड़ पड़ता है। और उसका रीसेंट एग्जाम्पल है दंगल एंड सीक्रेट सुपरस्टार फेम एंड नेशनल अवार्ड विनर गर्ल ज़ायरा वसीम के साथ हुआ वो हादसा जिसने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जो हुआ विस्तारा एयरलाइंस में। जी हाँ, रिसेंटली दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में ज़ायरा वसीम फेस्ड ह्यूमिलिएशन व्हेन अ मैन ट्राइड टू मोलेस्टेड हर। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ कि सारी सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और पूरा बॉलीवुड इस मुद्दे पर ज़ायरा के साथ नजर आया। बॉलीवुड के कई एक्टर इस मुद्दे पर ज़ायरा को सपोर्ट करते नजर आए। क्या बोलूं, शर्म की बात है यार, क्या बोलूं मैं तेरे को भिड़ू, अपने माँ बहन को ऐसे कोई कर तो तेरे को क्या लगे। I'm really appalled. She's a child and ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है, स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं, कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने आई डोंट नो शी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग उन्होंने वो किया। सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट। सो आई More power to her. ये हर आए दिन हमारी कंट्री में होता है एंड rather than focusing on issues like this, I don't know why our country and the you know rulers and caretakers of our country are really behind minuscule matters. I think जिस तरीके से हम women empowerment की बात करते हैं और women safety की बात करते हैं, I think सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं है, I think we should take some action towards it to stop all this nonsense from finally happening. वो उस time अगर कोई भी attack कर रहा है तो as a girl you have to be really very strong कि आप उसी टाइम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखे कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है, आई थिंक द गर्ल्स नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। जस्ट होप शी गेट्स जस्टिस, मैं इतना ही बोलूँगी। गुड दैट एटलीस्ट शी हैज़ रेज्ड हर वॉइस, चुप करके बैठने से तो बेटर ही है। और मतलब मैंने बाय चांस वो चीज़, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था इससे पहले, ट्विटर पे लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कुछ, तो उसका जवाब भी दिया मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रोल को। बट एनीवे आई जस्ट होप जस्टिस मिले उसको, मतलब बिकॉज शी हैज़ रेज द कंसर्न, शी डिजर्व्स टू गेट जस्टिस नाउ। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली सैड, इट्स एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड आई एम वेरी सरप्राइज द वे इट्स बीन रिपोर्टेड जिस तरीके से, बट आई एम श्योर लेट द फैक्ट्स कम आउट एंड कांट वेट फॉर द कल्प्रिट टू गेट बिहाइंड द बार्स। ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। डेफिनेटली फील वुमेन आर एनी वे वे मोर सुपीरियर देन मेन, वी आर फाइटर्स और हम जैसे भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वी ऑल कम आउट एज फाइटर्स, बिकॉज जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि वेदर इट्स भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं, औरत के औरत से देखते हैं, औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी, अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ करके बुलाते हैं। तो वी आर ऑल, जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस, वी ऑल टॉक अबाउट विमेन। सो आई थिंक विमेन जो है बहुत ही सुपीरियर है, तो वी विल फाइट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इन लाइफ। यस, ज़ायरा के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि फाइनली उसे परेशान करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर केस चलाया जा रहा है। बट इस इंसिडेंट ने बॉलीवुड की यूनिटी का परिचय जरूर दे दिया है।